अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है। मैं मुहम्मद इशफाक, साढ़े यूट्यूब चैनल भट्टी साहब। सारे चैनल तो नवे हो तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गए तो घंटी दबन को दबा के हाल तो कर दो। शुरू करने अज की वीडियो असं अपने पुराने काम से वेंदे पे हैं। पुराना काम कहड़ा जो ईद को पहले से शुरू की वजह हूँ काम से अज वल वेंदे पे हैं। वो काम बिच रुक वेंदे एक बिच एक झाड़ी दू झाड़ी पेने करने तो वाल मालिक ही कोई ढिल थी वे तो असं भी ढिल सी वे तो उंधी रह गई है। इस सिर्फ मेन सेवरेज थोड़ी पावनी है तो दू त्रै परनाले लावने तो परनाले बहर वाले इं बस नहीं ला सकते पे कि लावने बहरू गली के बच्चे तो कोई पट के न लगे वन तो कोई त्रोड़ न सटे तो इं बस मिस्त्री नाल गाल थी खड़ी है। असा मन के ओले सूँ तो मिस्त्री असी हूँ वाले ताजे हूँ बंद करते उत्ते प्लस्तर करते हीं वास्ते वो परनाले रोकी खड़िया तो हूँ अब जुलते पे हैं वो परनाले लेने हैं तो मिस्त्री असी बंद करे असा मेन सेवरेज को थोड़ी बहुत पावनी है जुल के तो आपको दिखेने बकाया काम तक क्या प्रोग्राम है क्या सीन है। ऐसे कम वाली जगह पर पहुँचे हैं तो कम वाली जगह से हाली कोई भी कौन नहीं पहुँचा, ना इमरान भाई पहुँचे तो ना मालिक पहुँचे तो आपको एक बार कम दिखेने जो बहर का असा करना भी है जो बकाया रह गए तो जो कर चुके हैं ये सारा काम असा एक परनाला ये जी मैं गाल करें पे कि परनाला असा ला नहीं सकते कोई तोड़ वैसी या कोई पटके गिन वैसी एक परनाला यह है। इन उत्ते दू वाशरूम अटैच हैं पे वाशरूम की सेवरेज है तो एक परनाला यह पी बेवतू किचन है उतले किचन का लैन इतों होजी बननी है एक उतों होजी बननी है तो यह फिटिंग सारी सारी कंप्लीट है पानी शानी चालू है गैस की फिटिंग सारी फैनल है तो इतों भी होजी बननी है। असा ये वाला मेन पैर पावने इं होजी खुला ये सामने मेन गटर पे जी वो घास के कोल खंबे के नाल ही गटर पावने असा इतना खुदाई करके होंगे ये काम है तो ये दू पैप ये पावने तो एक ही साइड दू परनाला एक परनाला है इन साइड दू झरी लगी खड़ी थोड़ी बकाया रह गई ये भी लावनी है। अज तक काम सारे ई है ये करें इमरान भाई आ वे तो मालिक ही आ वे इमरान भाई साहब भी आ गए तो मालिक भी आ गए तो सारा काम ठीक है शुरू ये प्यो गिनती जानी है। असं किराए तो चाहे तो कसी मालकों की अपनी है भाई तो एक गल की खुदाई शुरू कर गई थी लगे इटा यानी कि इटा की सोलिंग लगी जी तो पहले वह पटेंदे पे वलत लग रहे सू मट्टी की पटाई तो गटर तक मेन लाइन पावनी है। साढ़े सही मेन सेवरेज जी खुदाई करेंगे पास तकरीबन अद्धी थी गई है तो गर्मी भी अब टिका के है लेकिन मौसम ठंडा ही है तो गर्मी देते पे ये हाल है पसीने का ही गर्मी भी चंगी है भी मौसम भी ठंडा है लेकिन हवा भी है लेकिन कुछ समझ नहीं आती बात भी पसीने का ये हाल है पे कपड़े शपड़े देखो ये सारे गिले ये सारी खुदाई थी ये इतना तिकर ये थोड़ा जहाँ टोटा रह गए 6-1 फुट है 6-7 फुट का टोटा बकाया रह गए इनकी खुदाई करके तो वाल पैप पेने बजरी वाला मिसाला बना के तो पेने वाली की सारी तो खुदाई थी चुकी है पूरी देते पे फाइनल थी गई बिल्कुल तो असं हूँ पैप रखते पे इतने गटर का गला भी ला के दे खुदाई पूरी थी तो इमरान भाई साहब मिसाले को कल्टी देते पे कल्टी दे के वाली पानी पा के पैप रख के मिसाला पेने बजरी वाला सारे से मिसाला भी रेडी थी गए तो असा 6 इंच वाला पाइप जगह पर रख दीते गटर के तोड़ तक आ गए उदू होजी तक ही पा दीते तो इमरान भाई मिसाला जरा सैट करें पे तो वाल पेने 6 इंच वाले पाइप उत्ते मिसाला ये भी सारा 6 इंच वाला पाइप ये पाता पे अपनी जगह पर इतने गटर के नाल इटा शिटा ला रखे लेकिन फिलहाल गटरी मिसाला भी काम है ताकि कवर करने कल को अगर बंद थी वे गटर तो पानी बैक चैक ही ना आए मिसाल ही साडा रेडी थिया पे इमरान भाई सेटिंग शूटिंग कर रहा है कुल तले बदे क्या बदे कुल्फी वाला हां कुल्फी वाला देवल खवा वन गेना ये जी रमेश भाई अमेश आज अमेश अमेश यार अमेश कोई फर्क नहीं पोंदा यार ये अब्दुल्ला दे बड़े भाई हैं और तू क्या करना खणी ये क्या है चलो मिसाल रेडी थी के भाजन पवाओ हुन
ਅਸੀਂ ਸੇਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬਜਰੇ ਵਾਲਾ ਮਿਸਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਫੌਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂ ਪਾ ਯਾਰ ਪਾ ਮਿੱਟੀ ਇਮਰਾਨ ਪਾ ਇਹ ਗੱਡਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਪਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਇਹ ਵਸੀਂ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਿਕ ਮਹਿਰ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਿਰਾ ਸੇਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੱਟੀ ਛੱਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਗਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਖੜਾਵਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਛੋੜਨ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੋਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਵੱਲ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਹਾਂ ਖੇਨਾ ਛੇਣੀ ਖੇਨਾ ਛੇਣੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਛੇਣੀ ਚਾਵਣ ਗਏ ਵਧੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਠਹਿਰੀ ਲੈਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਟੀ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੱਟੀ ਛੇਟੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੈ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਬੰਦੇ ਅਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਜਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋੜ ਆਇਆ ਕੋਈ 3-4 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਛੋੜਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਵੀ ਛੋੜ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਵੱਲ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ 6-6 ਪਾਈਪ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾ ਆਇਆ ਸੇਵਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਐਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਬ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।